इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जयललिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, ये इस वक्त खबर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना शोक संदेश, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। और सीधे तौर पर अगर जो अभी अगर फोकस तमिलनाडु की तरफ जाए तो किस तरीके से राजा जी हॉल में उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। यहां पर तस्वीरें वहीं की हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई नहीं जाएंगे राष्ट्रपति, और आज 4:30 बजे मरीना बीच पर होगा उनका अंतिम संस्कार। फिर उनकी समाधि MGR की समाधि के बगल में बनाई जाएगी। कल रात में जयललिता का निधन हो गया था, परसों उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, कई दिनों से 74 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। काफी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति के विमान में तकनीकी खामी आ गई है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अब वहां पर नहीं जा पाएंगे चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया। 4:30 बजे मरीना बीच पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का तांता लगा हुआ है। जयललिता के समर्थक अपने आंसुओं से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिग्गज नेता, फिल्म और खेल जगत की हस्तियां भी उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रही हैं। सामने तस्वीरें जो आपकी हैं वो हैं किस तरीके से वहां पर ये जो हाल हुआ है, गमजदा लोग, अंतिम संस्कार की तैयारी। His wife, she's standing right there with him. ये है रजनीकांत। रजनीकांत जयललिता के पड़ोसी हैं। क्यों? क्योंकि पोएस गार्डन में रजनीकांत का भी बंगला है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रजनीकांत को चोट लगी है, 2-3 दिन पहले। रजनीकांत, उनकी पत्नी, उनकी बेटी यहां पर मौजूद है, साथ में धनुष। इन सभी लोगों ने ट्विटर पर अपनी श्रद्धांजलि दी और अब रजनीकांत यहां पर पहुंचे हैं। ये वही रजनीकांत थे जो कई साल पहले जयललिता के धुर विरोधी माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में ये जो विरोध की बात है खत्म हुई। और रजनीकांत किस तरीके से उनके पड़ोसी हैं ये हम आपको बता चुके हैं, और यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पे आप कभी भी कोई बाजार बंद नहीं देखते। यहां पे जहां पे हम खड़े हैं, वॉलर्स रोड, यहां पे अगर आप इस वक्त यहां पे आते हैं तो आपको हिलने डुलने की और जाने की भी जगह नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि हर कोई जहां पे दुकान है बंद है, और इसलिए क्योंकि उनकी अम्मा यानी कि जयललिता उनको श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने अपने पूरे जो दुकानें हैं बंद किए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पे कि जो अम्मा ने जो स्कीम्स बनाई, जो लोगों के साथ उन्होंने टच किया, लोगों को अलग हो, अम्मा सॉल्ट, अम्मा मेडिकल एड, उसके कारण आपको लग रहा है कि अम्मा जीवित रहेगी आपके दिलों में सबके साथ? सबके साथ 100% जियोगी। आप उसका स्कीम्स बहुत 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 पीपल के लिए बनाया था, और हर थॉट्स कम्प्लीटली पीपल के ही था। सो आई थिंक nobody can erase her from our hearts. जिस तरह से अम्मा अपने लोगों के साथ प्यार के साथ और जहाँ पे कोई बवाल ना हो वैसे ही अपनी सरकार चलाती थी, वैसे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं अम्मा को ताकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे ही शांति तरीके से अपने अम्मा को वो श्रद्धांजलि देते हुए ये कहते हुए कि हम आपके साथ हैं जिंदगी और मौत में। कमल श्रीमूर्ति के साथ रोहिणी स्वामी, चेन्नई।